गुलाबोजी आपसे जरूरी काम है। प्लीज बताइए ना काम। एक थोड़ी बात करनी है आपसे। दो दो बातें कीजिए। मैं अभी आया पर गुलाबो जी फूफा मिल गया। गुलाबो जी लेडीज फर्स्ट। ओके लोग देख रहे हैं ना। आये शर्म आती है मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे। मेरे बाबा की कुछ पोल खोलने वाले। बहुत लंबी जर्नी रही है। जाहिर बात है पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे प्रियंका चोपड़ा जी के सेट पे और उनके वैन के बाहर जाके बोलते थे मैडम शॉर्ट रेड। शीज ऑन द वे। वो वॉकी पे। या टैलेंट ऑन सेट। या शीज वॉकिंग। अब गुंडे फिल्म में इन द कैपेसिटी ऑफ हर लीडिंग मैन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब आप कैसे खोलते हैं प्रियंका की वैनिटी। कट टू सरका 2013। मैडम शॉर्ट रेडी। और आपकी पहली फिल्म हमने देखी है। ये नहीं कि आप सामने खड़े हैं लेकिन आपकी पहली फिल्म में आपको देख के ये लगा नहीं कि ये नया एक्टर है। बाक कमाल एक्टिंग की आपने। बहुत बहुत मुबारक आपको। और हमारे साथ अभी हमारी इंडस्ट्री के बड़े ही दो टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। प्लीज हैव ए सीट। अभी मैं सुनी तुम लोग 60s-70s की बात कर रहे थे। मेरी किस्मत ही खराब है। लोगों की दादी आती कोई मंदिर से आ रही क्योंकि मेरी तुम्हारी दादी वाली वैसे वो प्रियंका का है। चली गई तुम्हारे घर से। चली गई करती हो तुम। चलो अच्छा है वैसे भी एक मियान में दो तलवार रह नहीं सकते ना सिद्धू जी। खास तौर पे जब सामने वाला तलवार जो है वो एंटिक पीस हो। एक तलवार मार्केट वाली नहीं नहीं और दूसरी टीपू सुल्तान की। लेकिन क्या ना 60s-70s की बात करो तो एक्चुअली बच्चों वो मेरा दौर था। अच्छा? उन दिनों ना लोग मुझे शर्मिला टैगोर कहते थे। बताती हूँ। शुरू शुरू में क्या है ना शुरू के 10 साल तो ऋषि कपूर लगती थी मैं। फिर अचानक देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। वुमन इन मी ग्रू। वाओ। लड़के पागल होते थे मेरे पीछे। ताड़ू ऐसी क्या दिखता है। कब से लहू मुंह लग चुका है ना उनका तो। आऊंगी। दादी पहली बार आए शगुन दे दो। सबको मिलेगा सबको मिलेगा। क्या एक ख्वाहिश तो पूरी कर दे फिर पता नहीं कब मिलेगा। क्या करना चाहती हो। कोई भी रोमांटिक सीन। देखो अर्जुन रणवीर ये है मेरी दादी ढीठ है हटेगी तो है नहीं। हाँ। एक इनके साथ ऐसे सीन कर लो प्लीज। अभी तैयार होके आइए। कम ऑन यू फटाफट प्रोवाइड सम स्क्रीन प्ले। देखो दादी तू तो हीरोइन बनेगी। हाँ, मैं हिसाब से। हाँ। माँ करो तो तुम पे सूट नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा हीरो है अर्जुन। यू आर वेरी लकी। चल सीन करते हैं। वेट ना। अभी अभी तुमने लेके आओ मिलवाने हमसे ठीक है। हाँ, ये कौन है। ये पिताजी है तुम्हारे। ये मेरे पिताजी। हाँ लकी। आप माँ। माताजी। माताजी। चल चल अर्जुन चल बकरी के पीछे से पहले बकरी को हिलाएंगे। आजा। पिताजी माताजी। हु इज पिताजी हु इज माताजी। मैं पुरानी फिल्मों की अंधी माँ। अंधी माँ। अंधी माँ कौन है। माँ। हाँ बोल बुढ़िया। भाग्यवान। माँ देखो तो कौन आया है। कैसे देखो जब दिखता नहीं तो कहाँ से देखो। कौन है माँ। कौन है माँ। तेरा होने वाला दामाद आया है। आए अभी तक हुआ नहीं। नहीं ये तो हो गए लेकिन दामाद नहीं हुआ है। अच्छा दामाद ऐसे कैसे हुआ। ए सुनो जी।
ए बिटिया के पापा, ऐसे कैसे ले आई दामाद? हमसे तो पूछा भी नहीं, अब बोलो बात क्यों नहीं कर रहे? किस तरफ से? हाँ पूछते हैं, पूछते हैं। पता तो करो लड़का करता क्या है? भगवान रिलैक्स। छू ना। तुम क्यों इतना छू रही हो? छुपो छुपो छुपो। ए छू छू। अरे कुत्ता थोड़ी ना शादी करना है। शांत शांत। ए आ जाओ वापस आ जाओ। कुत्ते कमीने, सॉरी पापा जी। ये कौन दमाद है आते ससुर के साथ फ्रैंक हो रहा है? ये बताओ हमारी बेटी के साथ तेरा क्या इरादा है? जो इरादा तुम्हारा मेरे साथ था उनके क्या पूछ रहे हो? उतने इरादे बड़े लेख थे तुम्हारे। अरे भाई दाम दाम पूछो, लड़का करता क्या? हमारी लड़की तो कुछ करती नहीं, मोहल्ले वाले कहते भी कमाल करती है, हमें तो पता नहीं। कमाल है। ए सुनना। हाँ हाँ जी 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 जी। ए लड़का तो तू ले आई, जो लड़का करता क्या है? तेरे को खिलाएगा क्या? सॉरी थोड़ी टची हो रही ज्यादा ही। मैं शुरू से टची है बेटा, ये तो हुई थी ना तो डॉक्टर को ही टची हो गई थी ये तो। ये पहले टची थी अब टुची हो गई है। सच्ची टुची। बेटिया भाई सुनो, भाई लड़के के पास कार वार है? नहीं नहीं है। वाह हमें अच्छी भी नहीं लगती। आपके वैसे अब देख बेटा, मेरे को नहीं दिखता, नहीं मेरे को तो चाहे लूना में बिठा के ले, मेरे को क्या तो पता चला कार पे जाने की मोपड़ पे जाने, मेरे को तो ऐसे पैदल ले जाते, कभी कभी मेरे को कहते हम जहाज में जाने में, मान जाती हूँ। इस उम्र में आप कहाँ जाओगी? अच्छा बेटा बात बताओ, हनीमून पे कहाँ लेके जाओगे हमारी बेटी को? कलकत्ता। दो टिकट हमारे भी करवा देना। अब आप कलकत्ता जाओ, घर पर क्या दिखाई देगा आपको? है ये भी बात सही है। हाँ। ये तो मुझे कहीं नहीं लेके गए थे, घुमा के पिछली गली में लेके बोलते स्विट्जरलैंड का मेहमान गई। अब बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, लड़की का मामला है, हाथ पीले करने इसके। आप भी तो कुछ पूछो। एक काम करते, मुझे ये लड़का नहीं पसंद। अरे क्यों? मुझे वो चाहिए, वो वाला ज्यादा अच्छा है। ये वाला? हाँ। बेटा तू एक्सचेंज करेगी तो मेरा करेक्टर खराब होता ना। आप आओ ना, आप लो, आप बैठो, आप बैठ जाओ, आप उठ जाओ। बड़ी दल बदलू है ये दल। ये मेरी दादी ना, इसने बहाने से रोमांटिक डांस करना होता है हर हीरो के साथ। अभी अर्जुन हाथ में नहीं आया तो अभी देखो, अभी कैरेक्टराइजेशन चेंज कर दी। पहले तो शर्म नहीं आती, करना क्या चाहती तू? मैं कोई अच्छा सा सीन करा दो, अभी सीन तो हो गया, कोई रोमांटिक नंबर कर ले। एक अच्छा सीन कराता हूं। ट्रक लेके आ रहा है, तुम नीचे आ जाती हो तो तुम्हारी डेथ हो जाती है। इनकी बातों में मत आओ, तुम खुद इधर आओ। मुझे पहले से तुम दोनों पे डाउट था। जब देखो छुड़े रहते हो। ये क्या? तेरे को शर्म नहीं आती इस उम्र में? ये क्या कर रही है? मौत है कि नहीं तेरे को? मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मैं चलती हूँ अंदर। ना मत कहना, बहुत पछताएगा। हल्की सी है, ले ले। दादी शगुन। एक बात बता, ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा है जैसे इसको नहीं चाहिए। पिछली टाइम आया था जंगल था, आज मुल्ला क्या है? अच्छा अच्छा किसी अल, अच्छा वो वहां से ताड़ रहा है। वेट लेट मी सेटिस्फाई हिम। अच्छा अच्छा बहुत ही बरकती पप्पी है। छप गया। अब मैं भी तो रिटर्न करूंगा। रणवीर भाई, वो जो आपने बुआ को बताया था ना एक प्रपोजल फिल्म का, हाँ। तो दादी को भी बता के आओ जरा। कौन सा? वो नहीं, मैं खुद जाऊंगी अभी। जिया जिया मिल गया जिया। खैर अभी मैंने ये डंडा हाथ में रखना, कोई आए सही मेरी फैमिली से। एक आप उस तरफ लेके बैठते, मैं इस तरफ। जो आज टांगों पे मारना कोई लिहाज नहीं करना। एक आप भी रख लो, कोई आए। अच्छा मोटा वाला रखा है, ठीक है।
दादी ने पक्की ले ले, लड़के दोनों पागल कर दिए। अभी आई विल मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सिवाय आपके फैंस के। आपके फैंस यहाँ पे भरे पड़े जो आपसे बातें करना चाहते हैं जी। आप एक एक करके अर्जुन और रणवीर से अपने सवाल कर सकते हैं। हाय सर, आपकी फिल्म में मैंने देखा है कि आप एक ही लड़की से प्यार करते हो, अगर आपकी रियल लाइफ में भी एक ही लड़की से प्यार होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? ये तो है ही पहले से इश्क, ज्यादा इसे इश्क जब होता है तब होता है बहुत ज्यादा। खैर मेरी बात तो और है, ये तो इश्क का इंतजार नहीं करते, सीधा ले आते हैं उनके घर पे ना बैंड बाजा और बारात।